दिनांक 14 फरवरी 2019, समय 3:30 बजे, दिन गुरुवार। छुट्टियां खत्म करके अपने घर से लौटे जवानों को अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचना था। गुरुवार की सुबह होने वाली थी। 78 बसों में 2547 जवानों का काफिला जम्मू से रवाना हुआ था। जवानों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पर लगे ट्रांसिट कैंप में पहुंचाया जा रहा था। ये सफर लगभग 320 किलोमीटर लंबा था। दिनांक 14 फरवरी 2019, समय 2:15 बजे। श्रीनगर की ओर बढ़ रहा सीआरपीएफ का काफिला। दोपहर 2:15 बजे काजीगुंड पहुंचा। यहां 14 वाहन रुक गए थे। 2 बस खराब होने की वजह से 23 जवान रुके हुए थे। इन जवानों को दूसरी बस में स्थानांतरित किया गया। यहां 78 में से 16 वाहन रुके हुए थे, तथापि उनके बदले में 16 बुलेट प्रूफ बसों को जवानों के काफिले में शामिल करके आगे रवाना किया गया। दिनांक 14 फरवरी 2019, समय 2:38 बजे। वाहनों की अदल बदल के बाद जवानों का काफिला आगे बढ़ रहा था। दोपहर 3:15 बजे काफिला जब श्रीनगर से 27 किलोमीटर दूर लेथपोरा पहुंचा, तब माइलस्टोन क्रमांक 271 के पास सुसाइड बॉम्बर ने काफिले में चल रही 5वें क्रम की बस को टक्कर लगाई थी। फिदाइन के टक्कर मारते ही एक प्रचंड विस्फोट हुआ। इस धमाके की आवाज 10 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी। घटनास्थल पर अफरा तफरी और भ्रम का माहौल था। सिर्फ धुआं दिख रहा था। काफिले के जवान अपनी बस में से बाहर आए। लेकिन उनको वापस बस के अंदर जाने के निर्देश दिए गए। कुछ खबरों में घटनास्थल पर गोलीबारी होने का दावा किया गया था, लेकिन गोलीबारी किसने की ये जानकारी मिल नहीं पाई थी।
काफिले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद होने की बात सामने आई थी। हालांकि कुछ खबरों में शहीद हुए जवानों की अलग अलग संख्या सामने आ रही थी। इंटेलिजेंस फेलियर, उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन था कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है और उन्होंने बड़े सोच समझ कर ऐसी जगह चुनी है जहां पे एक फिदायीन हमला किया गया है जिससे इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की गोद में देने के लिए हम तैयार हैं। एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। बड़ी खबर हम आपको बता दें, पुलवामा हमले में 40 से ज्यादा जवानों की वीरगति की खबरें मीडिया के माध्यम से देश भर में पहुंच चुकी थी। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। इन खबरों के साथ ही देश भर में आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया था। जन आक्रोश बढ़ रहा था और आतंकवादियों के खिलाफ बदला लेने की मांग बुलंद हो रही थी। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में। हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी गुट जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी। उसी के साथ फिर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्यवाही करने की मांग की जाने लगी थी। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहता, ये नया हिंदुस्तान ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रसार अभियान चलाए जा रहे थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुआ कि चुनाव को रोक दो, पाकिस्तान को ठोक दो। और जहाँ तक मोदी सरकार का तल्लुक है, उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उनको साफ तौर पर क्लियर मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम किसी तरीके से इस माफी के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आप हमारा एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा लाजमी है अभी सारी पोलिटिकल पार्टी जो हैं और अपोजिशन जो है एकजुट होकर पूरे देश कि सरकार के पीछे और सिक्योरिटी फोर्स के पीछे खड़े हों ताकि बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को पहुंचे कि पूरा देश ऐसे हमलों को एक ही नज़रिए से देखता है और इस माफी का एक्सेप्ट नहीं करेगा हमला पाकिस्तान की तरफ से। भाई जान, इंडिया को हम जान। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के प्रवक्ता ने बताया था कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक स्थानिक फिदायीन आदिल अहमद डार उर्फ वकास कमांडो ने यह भीषण हमला किया था। फिदाइन आदिल अहमद डार का हमले से पहले का एक वीडियो भी जारी किया गया था। इस फिदाइन हमले में जिस कार का उपयोग किया गया उसमें 350 किलोग्राम आईईडी अथवा उसके जैसे अन्य विस्फोटक पदार्थ होने की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में 60 से 100 किलोग्राम तक विस्फोटक होने की बात सामने आई थी। इस फिदायीन हमले में 5वें क्रमांक की बस के अलावा एक और बस को भी नुकसान हुआ था। इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। अ
और ना ही हमारी इन आतंकियों के खिलाफ की हरकतें जो करते हैं आतंकी, उसके खिलाफ की कार्रवाई रुकेगी नहीं। और भी जवान अपना हौसला बुलंद करके अपने साथियों की इस शहादत का बदला भी लेंगे और इस आतंकियों को समाप्त करने का जो हमारा निर्धार है उस पर हम डटे रहेंगे। सीआरपीएफ की 1 करोड़ ओपनिंग पार्टी हर रोज सुबह आईईडी की आशंका के मद्देनजर हाईवे की जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट बनाती है। उस दिन भी रोड ओपनिंग पार्टी ने अपना काम कर लिया था। जांच के पश्चात आई रिपोर्ट में इस काफले की सुरक्षा को हरी झंडी दी गई थी। विदित हो कि इस पूरे इलाके में सेना की तैनाती रहती है, लेकिन फिर भी 2019 में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ जिससे सुरक्षा चूक के सवालात भी उठे थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने बताया कि ये हमला इंटेलिजेंस की असफलता का परिणाम है। विस्फोटकों से भरी हुई कार सुरक्षा बलों के संचलन वाले रास्ते पर चलती रही और कार में विस्फोटक होने की बात को छुपाने में उन लोगों को सफलता मिली। हमारी खुफिया एजेंसियों ने भी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट किया था। कार के जरिए फिदाइन अटैक के इनपुट्स को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी। ऐसी चर्चा हमले के बाद जोर शोर से हो रही थी, लेकिन काफले की गतिविधि के समय ट्रैफिक नहीं रोकने की वजह से अनहोनी होने की आशंका भी थी। पुलवामा हमले की घटना के बाद सीआरपीएफ के आला अफसर स्पष्ट बता चुके थे कि काफले के साथ जुड़े गतिविधि के नियमों में परिवर्तन लाना चाहिए। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अब काफिले से निकलते वक्त आम ट्रैफिक को रोका जाएगा।